हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये हमारे पास एक गैस चूल्हा रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक साइड चल रही है और एक साइड इसमें नहीं चल रही, तो मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ उसको। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये देखिए, इसको ये छोटे वाला बर्नर चल रहा है और बड़ा नहीं चल रहा। रेगुलेटर हमारा ऑन है और हम इसको देखिए देखिए चल गया। आपका भी कैमरे में दिखाता हूँ, देखिए ये चल गया। देखिए अब दिख रहा होगा कैमरे में, चल गया। ये तो हमारा बिल्कुल ओके है। अब ये साइड हमारी बंद है, ये देखिए मैं दिखाऊँ, ये देखिए बिल्कुल ही मध्यम चल रहा है, बिल्कुल ही। देखिए बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कैमरे में, देखिए बिल्कुल मध्यम। देखिए बिल्कुल, देखिए ये ऑन है ना, ऑन है ना, ऑन की पोजीशन में है और फिर भी ये देखिए ऐसे कर रहा है, चल रहा है कभी बंद। देखिए बिल्कुल स्लो चल रहा है। तो गैस को ऑफ, यहाँ से नॉब ऑफ कर दी हमने और रेगुलेटर को हम एक बार सिलेंडर से उतार लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हमने रेगुलेटर को उतार लिया है, ये देखिए आपको जब भी ये काम करे रेगुलेटर आपने उतारना है। इसको हम साइड पे रखते हैं, इसकी एक बार ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम साइड पे रख करते हैं। और ये जो जाल है दोस्तों, अगर ये थोड़ी सी ख़राब हो तो इनको साफ़ कर लें। कोई ये कपड़े मांजने वाला जो होता है वो स्टील ब्रश, उससे साफ़ कर लें, ये साफ़ हो जाती है। और अब सबसे अब पहले हमें इसको ये नोब उतारनी, दोनों ये हमने इसकी आप ऐसे नोब उतारेंगे, ये देखिए नोब उतर के इस प्रकार ही ऐसे दोस्तों। अब आपने क्या करना है, इन दो ये दो पेच हैं, चार पेच, दो इसके और दो इसके, इनको खोल लेना है ऐसे, इस प्रकार आपने इनको खोलना है। मैं अब ये बताऊंगा आपको भी, आप चाहिए ना खोले तो भी इससे हो जाता है, पर मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझा सके। देखिए इसके साइड, देखिए नट खोल दी। अब इसको भी हम कटोरी को एक साइड रखते हैं, देखिए इस पर। अब हमें ये खोलना, ये खोल दिया इसको, ये इसका बर्नल का जो पेच होता है उसको हमने इसे खोल लेना है। ये देखिए हमने खोल लिया, उसको भी हमने खोल लेना है। देखिए इस पर हमें इनको कर डिस्कनेक्ट कर, ये हुई, ये हुई, ये हमारा बाहर है। और इनको तो देखिए इसमें क्या होता है कि कई कई बार इसमें ना चाय और दूध वगैरह इसमें पड़ जाता है, जिससे उबलने के कारण इसमें दूध, इसको भी साफ़ आप ऐसे कर लें। इसको आप साफ़ कर लेंगे तो ये अच्छे तरह क्लीन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये हमारा इसमें कई बार, ये देखिए आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस प्रकार इसमें ये गंदगी जम जाती है, क्योंकि चाय जो दूध वगैरह होता है वो उस पर पड़ने का नहीं हो जाता है। इसको हमने साफ़ किया और इसको भी आपने इसे क्लीन कर लेना चाहिए, इस प्रकार आपने इसको भी क्लीन कर लेना है। चाहे तो आप इसे ब्रश भी की सहायता से कर सकते हैं, ये देखिए देखिए ऐसे इसको ब्रश की सहायता से भी आप अच्छी तरह कर सकते हैं, इससे ऐसे दोस्तों इसको इस प्रकार। इस प्रकार आपको इसे भी अच्छी क्लीन कर लेना। ये हमारा, अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों ये छोटे वाला जो था हमने ये साइड पे ये नहीं हमने खोला, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, ये बड़े वाला है, ये बड़े वाला है, हमें इसे ही खोलना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको ऐसे नोब को यहाँ से हमें इसे इस पेच को एक बार खोलना है। यहाँ पे ये पेच लगा है, इसको हमें खोलना है और
इसको भी हमें ये जो रॉड है इसको निकालना है, ये बटन वाली जो रॉड होती है इसको निकालना है, और इसके अंदर स्प्रंग होता है ये भी इसको निकालना है। और उसके बाद ये हमें इसका ये जो पुश घूमता है इसके अंदर ये इसको भी निकालना है। आपने जब भी इसको करना है सावधानी से करना है, और एक ही आपने साइड इसकी खोलनी है, एक बार जब ही रिपेयर करें एक ही साइड खोलनी है उसको, इसको पूरा कर रिपेयर करके फिट करके फिर ही इसको दोबारा उसको खोलें, क्योंकि ये रहता ना एक दूसरे के, उसका उल्ट पुलट हो गया तो ये लीकेज की प्रॉब्लम करेगा। ये देखिए इसको, देखिए इसको साफ करेंगे कपड़े से, ये एक बार साइड करते हैं आपको दिखाते हैं। उससे पहले हमें ये 8 नंबर की चाबी से इसे खोलना है, चिट है ये, बड़ी साइड हो जो होता है 73 नंबर का होता है, और छोटी जो वो साइज है वो 58 नंबर का होता है। ये देखिए बिल्कुल बंद है, ये बंद है बिल्कुल। और ये वो है जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम इसी को साफ करके तो इसको, ये 77 नंबर है, देखिए ये भी 77 नंबर है, पर हमें इसी को साफ करके लगाना है क्योंकि ये यही चल जाता है 77 नंबर, ये भी 77 नंबर है। ये दिख नहीं रहा कैमरे में आपको शायद, पर मुझे ये दिख रहा है 77 नंबर ये। हम पर इसी को हम साफ करके, आपको इसके लिए क्या जरूरत है, सबसे पहले आपको इसमें एक ऐसी कॉपर वाली वायर जो फिटिंग में आती है वो लेके इसके अंदर होल में जो आपने ऐसे लगा देना, इसमें ऐसे होल में इसको, ये क्लीन हो जाएगा इसमें होल। आपको इसमें एक सुराख होता है उसको साफ करना है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको वहाँ से ये दिक्कत इतनी खोलने के नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आप इसे साफ़ करके, इसी को साफ़ करके लगाएं, ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। पर हमें तो ये रिपेयर हमें सारा ही करना था इसलिए हमें उसे भी खोल लिया। अगर आप नहीं चाहते इसको यहाँ से खोलना तो ना खोलें, आप इसको भी लगा रहे हैं देर से, और यहाँ से इसको निकाल कर, और ये कल्ला यही आप जट ही साफ़ कर दें, इसको जट बोलते हैं, ये जट साफ़ हो जाएगा। देखिए इसको इस प्रकार, इसमें थोड़ी सी वायर डाली, देखिए ये दिखवा रहा है साफ़ हो गया सुराख। देखिए ये हमारा सुराख, ये हम इसी को चलाएंगे, इसी को चलाकर आपको दिखाएंगे, ये यही लगाएंगे ये पर। और अब हमें इसको अच्छी तरह से कपड़े से क्लीन कर लेना है, देखिए देखिए कितना इस पर ख़राब हुआ है, देखिए देखिए हम इसे अच्छी तरह से क्लीन करके फिर आपको करेंगे। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, देखिए इसमें भी हम वायर पर की सहायता से इसके सुराख भी साफ कर लें। ये 2 सुराख होते हैं इसमें, एक बड़ा और एक छोटा, देखिए इसको बड़े को हमने इससे वायर से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, देखिए, और छोटे में जो ये एक ब्रीक वायर है उसको लगा के इससे साफ कर लेना है। ये एक छोटा होल है, देखिए इसमें तार आर पार हो गई तो ये हमारा होल बिल्कुल क्लीन हो गया, देखिए कितना क्लीन हो गया, बिल्कुल क्लीन है। अब हम साइड पे करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, ये कपड़े की सहायता से हमें इसमें इस अंदर से देखिए ऐसे इसमें कपड़ा डाल के इसको ऐसे घुमा देना है, देखिए इसको ऐसे घुमाया। आप चाहे तो कपड़े किसी भी सहायता से, कोई चीज़ की सहायता से, पेच से ऐसे जाएगी, देखिए क्लीन हो गया ये। अब हमें इसको जिस प्रकार हमने खोला था उसी प्रकार हमें इसे को फिट करना है, देखिए वो तो हमारा सही है, उसको तो हमने छेड़ना नहीं। अब इस पर हमें क्या करेंगे, थोड़ी सी इस पर ग्रीस लगा लेंगे, या जो आम नॉर्मल ग्रीस होती है वही है, इस पर थोड़ी सी, देखिए इस प्रकार। इन होल पे नहीं लगाना आपने, क्योंकि होल पे तो अगर आप लगाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे ऐसे, देखिए। और इस प्रकार आपने थोड़ा सा उंगली से इसको देखिए होल पर निकल, इससे क्या होगा, एक तो लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक स्मूथ चलेगा, क्योंकि इस पे लुब्रिकेट तो चाहिए ही चाहिए ना। ये देखिए इसको हमें इस प्रकार हमें यहाँ से ऐसे लगाना है, ये ऐसे लग गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये स्प्रंग और ये किल्ली को भी लगा देना है, देखिए ये अगर ये भी ख़राब हो तो आप इसमें बाल दें, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। हमें इसको क्या करना है, इस प्रकार इसमें ये स्प्रंग आ गया, देखिए, और इसमें ये ऐसे किल्ली,
ऐसे आ गई। इस प्रकार ये कीजिए, देखिए देखिए ये पेज का है, देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमने जट खोला था वो उसी को घसलना है। देखिए बिल्कुल क्लीन है, देखिए आप सुराख में देखिए, आपको शायद होल कैमरे में दिख रहा होगा लेकिन हमें दिख रहा है, देखिए होल बिल्कुल साफ है। इस जो बड़ी साइड होती है उस साइड 70 नंबर का जेट लगता है और जो छोटी साइड है उस 58 नंबर का, हमने इसे को 8 नंबर चाबी से इसको टाइट। दोस्तों जब भी आप टाइट करें इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, ज़्यादा टाइट करेंगे तो आप ये यहाँ से टूट जाएगा, उसके बाद तो आपको ये सारी कोक ही बदलनी पड़ेगी, इसको कोक बोलते हैं, ये सारी बदलनी पड़ेगी आपको, बस इतना टाइट करना है जितना कि आपको हिसाब से। देखिए अब हमने इसी प्रकार लगाया, जिस प्रकार हमने खोला था उसी प्रकार हमें इसे टाइट कर देना। देखिए हमने इसको यहाँ से पकड़ा ऐसे और इस प्रकार देखिए हमें ये देखिए इस प्रकार ये सुराख इसकी सीध में आ गए। और हमें सबसे पहले ये देखिए ये तो रखनी है, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं साफ, ये हमें ऊपर रखना, वाला पास दिखा होता हूँ वाला पास ऊपर यहाँ पे हमें पेश कर देंगे। अगर वो आपकी साइड दूसरी साइड भी इसी प्रकार खराब हो तो आप उसी प्रकार इसकी दूसरी साइड भी रिपेयर कर सकते हो, इसी जो यही साइड वाला पासा अगर आपको जैसे हमने इसको बताया है उसी प्रकार वो भी इसी प्रकार पर होगा। देखिए दोस्तों हमने पैसे अब हमें इस साइड कर देना, तीनों वाला पासा ऊपर ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। देखो हमने इसको टाइट कर दिया, हमें ये अब ये ध्यान रखना है आपने जब भी ये लगाना है ये बड़े बड़ी साड़ी हो, जो 70 नंबर वाला पासा है उस पर बड़ा बर्न लगेगा और ये छोटा जो 58 नंबर का है उस पर छोटा। दोस्तों जब भी आपने इसको याद रखना है उल्ट पुलट नहीं लगाना इसको, ये हमें इसके पेच कस देना है। देखिए देखो टाइट पैच को टाइट कर दिया हमने और ये इसका पैच ये देखिए अब हमें इसे को सीधा कर लेना है और हमने इसे बटन लगाकर आपको चेक करके दिखाते हैं ये बिल्कुल ओके हुआ है या नहीं। इसको देखिए इस प्रकार इसमें कट लगा होता है उसी प्रकार, देखिए हम ये जाली लगाएंगे इस पे, ये सबसे पहले ये लगा देंगे, देखिए ये हमने जाली लगाई। देखिए हम आपको देखिए शायद आपको कैमरे दे, देखिए रेगुलेटर हमने ऑन नहीं किया, अभी ऑन करते हैं, ये हमने ऑन किया है रेगुलेटर, यहाँ से भी ऑन किया, ये देखिए ये तो बिल्कुल सही चल रहा था। देखिए देखिए हमारा ये नहीं चल रहा था, अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है, दिख रहा कैमरे में, देखिए देखिए ये चल गया, देखिए सिम भी हो गई, सिम भी हो गई, देखो ये देखिए बिल्कुल ओके। अब हम ये किसी भी को चला कर दिखाते हैं, देख दो तो दोस्तों आप इसी प्रकार आप अपने गैस चूल्हे को रिपेयर कर सकते हो जब भी करें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।